रानी वेलमर। अब ये सारा हल्ला हंगामा मचा है तो क्या इसके चलते लोग फॉर्च्यून का तेल खरीदना बंद कर देंगे, और अगर नहीं तो फिर अदानी वेलमर के लिए कहाँ तक की गिरावट लगती है आपको? क्या ये इस समूह के ऐसे शेयरों में है जिस पर शायद जल्दी बाजार का भरोसा लौट पाए? सर, मैंने तो सुना है कि पतंजलि भी लोअर में चल रहा है, तो अब विलमर का तेल छोड़ दें, पतंजलि का तेल छोड़ दें, तो पानी पे तो जिएंगे नहीं, मतलब तेल तो लगेगा ही सबको। देखिए, अदानी विलमर की जहाँ तक, और एक बात बताऊँ, सबसे अच्छी बात क्या है ना, हम सबकी बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए, स्टॉक मार्केट क्रैश, कंपनी स्टॉक प्राइस क्रैश, ये सब क्या है ना, बहुत बुरी यादें हैं। और हमारी सबसे अच्छी आदत क्या है कि हम इन छोटी छोटी बुरी यादों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हमको याद भी नहीं रहेगा 1 महीने 2 महीने के बाद, ये कुछ याद नहीं रहेगा, फिर वैसे ही धुआंधार खरीदारी करने वाले हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है कहीं पे, इसलिए वापस इसमें खरीदारी नहीं आएगी, ऐसा होगा ही नहीं, ये सब में खरीदारी आएगी, 2 महीने 3 महीने में सब भूल के खरीदेंगे, लेकिन तब तक सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, सवाल वो है। तो अभी सब कोई डायरेक्शन नहीं है कि इसमें सर्वाइवल का, जो लेवल उस दिन डिस्कस किया था राजू जी, लग रहा है कि वहीं पे ही जाके इसको सांस मिलेगी, उससे पहले तो नहीं मिलेगी, तो एक बार फिर से बता दें। वही 325 के आसपास का जो लेवल है उसी रेंज में जाके इसको 325-350 का जो जोन है उस जोन जी में जाके इसको अपनी मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। जी आमतौर पे मैं ओपन हाई लो क्लोज इस वाले पैटर्न में चार्ट को देखता हूँ, मतलब कैंडल्स वाले, लेकिन आज बहुत सारे में मुझे लाइन चार्ट ही रखना पड़ा है, और वो इसलिए कि अगर मैं इसे बदल दूं ओपन हाई लो चार्ट में तो फिर लास्ट की चीज़ें कुछ नज़र ही नहीं आ रही हैं। इस तरह से ये सर्किट पर है कि बाद के डेटा पॉइंट्स जो है वो दिख ही नहीं रहे यहाँ पे, तो वो अच्छा, कहाँ तक गिरा है जी। आपने जो ये लगाया है ना, इसमें एक छोटी सी चीज ऐड कर देता हूँ तो सबके एजुकेशन के जरूर लिए भी अच्छा रहेगा, ये जो हम लाइन चार्ट देख रहे हैं ना, एरिया चार्ट रादर, एरिया चार्ट देखने का मतलब ये होता है कि हम इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सारे इंडिकेटर्स निकाल दिए और सिर्फ उस प्लेन एरिया चार्ट को देखिए और उसके पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। ये चार्ट अगर आप देखेंगे बिना इंडिकेटर के, मालूम ये क्या बताएगा, ये आपके अंदर का मन बताएगा, तो अगर आपके अंदर का मन पढ़ना है बस ऐसे पढ़िए, ये आपका मन पढ़ते बताएगा, और ये बताएगा कि क्यों 325 350 आना चाहिए। जी।